इट इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट डे, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू डू आवर वर्क पर हुआ नहीं, अब देखते हैं कि कल वो कंप्लीट होता है या नहीं। ये रही जो मेरी यूनिफॉर्म जो मैं पहनने वाली हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बगैर नाश्ते के निकले अपने लैब के लिए, वहाँ पे जाके देखने सर आए हैं या नहीं। ये हमारे हॉस्टल का फ्रंट व्यू है, यू कैन सी इट, और ये सामने हमारी कैफे है, हमारा कैफे है जहाँ से हम खाना खाते थे। So first we will see if there will be our teacher, then that will be amazing. But if there will not, then no problem. We can still use our mobile because there is Wi-Fi that we can use all the time. और ये हाल होता है जब आपके माइंड पे स्ट्रेस काम का बहुत ज्यादा हो, लेकिन फिर भी आप वाईफाई की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करना चाहते हो। अब हम अपने लैब से वापस आ गए हैं, हम रिकमेंडेशन लेटर बनाने गए थे, लेकिन सर बिजी हैं, थोड़े सर क्लास लेने चले गए हैं, और हम वेट करते रहे काफी देर बाद लैब में बैठ के, लेकिन सर नहीं आए। फिर हमने सोचा लंच का भी टाइम हो गया, हॉस्टल वापस आएँ और पहले लंच करें, उसके बाद दोबारा अपने काम पे जाएं, मतलब जो हमने जो काम हमें है टीचर से। कल शायद मैं चली जाऊंगी या फिर परसों, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट आई विल लेट यू नो कि मैं किस दिन गई और मैंने क्या क्या किया। सॉरी पीछे कुछ सफाई ज़्यादा नहीं हुई, अभी सब क्लास लेने गई हैं, जो रूममेट हैं मतलब मेरी फ्रेंड की जो न्यू रूममेट्स बनी हैं जूनियर, बहुत अच्छी हैं सभी, वो क्लासेस लेने गई हैं, इसलिए रूम का हाल थोड़ा अच्छा नहीं है। और हॉस्टल लाइफ में तो होता ही ऐसे है, अब कहने की ये रौनक होती है हॉस्टल की कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स होते भी हैं, ये नहीं कहते सब स्टूडेंट्स हमारे जैसे होते हैं, लेकिन हमारे रूम में कभी बहुत ज़्यादा सफाई नहीं थी। वी कीप डूइंग, हमने एक्चुअली हमने ड्यूटीज़ भी लगाई थी यहाँ पे सामने रूम में, मतलब हमने दरवाजे पर लगाई हुई थी ड्यूटीज़ की, किसकी क्या बारी है और किसने क्या सफाई करनी है, लेकिन इससे लड़ाई होती थी। मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी बार हमारी इस पर बहस भी हुई थी, लड़ाई भी हुई थी, लेकिन हर लड़ाई हर बहस That has its own value. उसकी अब अपनी एक याद बन चुकी है, बहुत प्यारी मेमोरीज हैं, जब भी हम दोबारा रिकॉल करते हैं बहुत अच्छा फील होता है। मेरी फ्रेंड एक और फ्रेंड को छोड़ने गई हैं, उन्होंने आज घर जाना था, दरवाजे तक छोड़ने गई हैं, अब वापस आती हैं तो दोबारा हम लंच करते हैं, उसके बाद तो दोबारा जाएंगे। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है जाने का, मतलब अब मैंने रिकमेंडेशन लेटर बन जाना है, उसके बाद फिर मैंने घर चले जाना है कल या परसों तक, थोड़ा अजीब अजीब सा फील हो रहा है। और एक्चुअली मुझे अच्छा बहुत ज़्यादा लगा था यहाँ पे आके, क्योंकि एक तो काफ़ी अर्से के बाद आई थी, उसके बाद मतलब मैं घर में रहती हूँ, और जब आप पूरे 4 साल पढ़ते रहते हो उसके बाद अचानक आपको स्टडी छोड़नी पड़े, और सबसे बड़ी बात कि आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हों उसी कॉलेज में, उसी जगह पर, उसी रूम में जैसे मेरी फ्रेंड अभी यहाँ पे हैं, और फिर आप लेकिन घर पे हो, वो सारी मेमोरीज आपके जहन में आती रहती हैं कि अब वो इस टाइम ये कर रही होंगी या वो कर रही होंगी, जैसे आपने किया था उस पर मतलब आप उनके साथ थे। बहुत अजीब सी फीलिंग आती है टू बी ऑनेस्ट। अब तो चले काफ़ी तकरीबन 2-3 मंथ हो चुके हैं मैं घर पे हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैं थी बहुत मुश्किल था, मतलब बहुत याद आती थी पुरानी पिक्चर्स देख के, जितनी मेमोरीज भी थी सब देख के बहुत याद आता था कि हम ये किया करते थे वो किया करते थे। एक कॉलेज में होना या फिर यूनिवर्सिटी में, वैसे आप रोज़ आना जाना वो तो होती हैं, यूनिवर्सिटी की अलग मेमोरीज होती है, लेकिन कॉलेज जो हॉस्टल लाइफ होती है उसकी अलग ही अपनी एक ग्लोरी होती है, आप एक्सप्लेन ही कर सकते हैं, मतलब थोड़ी बुरी थोड़ी अच्छी, ज़्यादातर अच्छी होती हैं, स्पेशली जब आपके क्लास फेलोज़ हों। मेरे जो दो फ्रेंड्स हैं वो मेरी फेलोज मतलब क्लास फेलोज भी थी, और हम हॉस्टल में भी इकट्ठे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिन रात पूरा दिन तकरीबन इकट्ठी रहती थी, और कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुकी होगी, और बहुत अच्छी हमारी याद, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब 4 साल में यूनिवर्सिटी का जो डेज थे क्लास फेलोज के साथ और क्लास में जो मेमोरीज हमारी हैं, वो अब भी जब मैं जाती हूँ जो जो हमने क्लासेस जहाँ पे हमने अटेंड की थी और वो टीचर जिनसे हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा फील होता है। आई डोंट नो, अल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी करेंगे इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू समथिंग फॉर ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स टू, क्योंकि वैसे ये बातें कहने की नहीं होती, बस फीलिंग्स होती हैं आपकी अपनी फ्रेंड्स के लिए, बहुत प्योर फीलिंग्स होती हैं अंदर। आई हैव टू, अल्लाह सलामत रखे सब फ्रेंड्स को, सब टीचर्स को, डिपार्टमेंट्स के सब फेलोज को, जो जिनके साथ आपका अच्छा टाइम गुजरा है। मुझे बाकियों का नहीं पता बाकियों का कितना किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा अपना एक्सपीरियंस अपने फेलोज के साथ बहुत अच्छा था, किसी ने कभी डिग्रेड नहीं किया, कभी किसी बात पर टॉन्ट नहीं मारी, और मैं एक्चुअली बहुत शाय गर्ल थी अपनी क्लास की, बहुत ज़्यादा शायनेस थी मुझमें, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन यह है कि स्टार्टिंग में भी किसी ने मुझे डिग्रेड नहीं किया, कभी पॉइंट आउट नहीं किया कि आप बोलते नहीं हो, आप इस तरह के हो, आप स्टडी में अच्छे नहीं हो वगैरह वगैरह, हमेशा अप्रिशिएट करते रहे सब लोग। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में और थोड़ा बहुत जो इम्प्रूव की थी यूनिवर्सिटी के दौरान, उसमें मेरा क्लास फेलोज का भी बहुत ज़्यादा रोल है। ट्यूशन तो मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल थी, बहुत ज़्यादा मतलब मैं दे ही नहीं सकती थी, और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं आप कर सकते हो करें, and then I start participating in different kind of activities and that built my confidence. I'm really thankful for all of my fellows and also my teachers who have appreciated me for everything and also my friends. वो तो आप कहेंगे कि दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बूस्ट किया कि आप बोलो क्लास में बात किया करो, नहीं तो मैं बिल्कुल साइलेंट बनती थी,
मैंने कभी नहीं बोला, कभी कुछ नहीं कहा था स्टार्टिंग में बिल्कुल भी, कहने कि मैं लोअर लेवल पे थी, ना स्टडी में अच्छी, ना ऐसे कम्युनिकेट किसी से कर सकती थी, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह फ्रेंड्स मिली जो जॉली थी, जिन्होंने मुझे उस जोन से, डिप्रेशन का जोन था, उससे निकाल के थोड़ी एक्साइटमेंट और एडवेंचरस लाइफ मुझे दिखाई। एंड देन आई रियलाइज कि कंपनी का बहुत ज़्यादा असर होता है आप पे, बहुत आप चेंज हो जाते हो पूरी तरह। लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह सबको अच्छी कंपनी दे, मतलब पॉजिटिव वे में ही आपको गाइड करें कभी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस रहा है कि कंपनी जो आपकी होती हैं फ्रेंड्स, वो आपको डुबा भी सकती हैं और आपको सक्सेस की तरफ भी ले जा सकती हैं। सो आई से कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है अगर आप अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं और आपकी मेमोरीज उनके साथ अच्छी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड विद दैट, बहुत लकी हूँ, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी स्कूल लाइफ में। मेरी फ्रेंड नहीं थी इतनी कोई भी, बल्कि थी ही नहीं, मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके बाद कॉलेज लाइफ में एक फ्रेंड बनी जूमर, एंड दैट इज़ माई बेस्टी, कि वो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ थी, मतलब स्कूल लेवल पे भी, लेकिन उस वक्त इतनी फ्रेंडशिप नहीं थी। उसके बाद फिर कॉलेज लेवल पे फ्रेंडशिप हुई, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं सके इकट्ठे, वो भी जो किस्मत में था होना था मुझे, फिर ये तो फ्रेंड्स कैसे मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर हैज़ केम इन माई लाइफ वाज जस्ट फॉर माई इम्प्रूवमेंट। आई वुड से दैट अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया, अल्लाह ताला ने ही मुझे गाइड किया हर तरफ, मुझे हर बुरी चीज़ से जो अगर मैं बची रही हूँ वो भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, क्योंकि इंसान में ये ताकत नहीं होती कि वो गलत काम से बच सके या फिर कोई अच्छा काम कर सके। काफ़ी देर होगी मेरे फ्रेंड को गए हुए, चले जब तक वो नहीं आती हम बाइक का थोड़ा व्यू देख के आते हैं। वैसे मैंने पिछले जो दो तीन ब्लॉग हैं यहीं पे बनाए थे, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स की वजह से मैं यहाँ पे चक्कर लगते रहे हैं, मैंने बनाए हैं काफ़ी ज़्यादा दो तीन ब्लॉग्स बनाए हैं। मे भी आप लोगों ने पहले देखे हों वो, या फिर मैं बाद में अपलोड करूँ, क्योंकि मेरा अभी टाइम कोई स्केड्यूल नहीं बन रहा वो एडिट करने का अपलोड करने का, लेकिन इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू गाइस टू। चलो बाइक के व्यू देख के आते हैं। तो एक बार फिर जरा रूम की हालत पे नज़र दोहरा ली जाए, तो दैट्स द कंडीशन राइट नाउ। तो ये हमारा कॉरिडोर है और फिलहाल यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, आई थिंक मे बी एवरीवन इज बिजी राइट नाउ, वेल आई डोंट नो। मैंने आपको बताया था कि वो जो सामने एंड पे रूम है ना, वो उधर वो वाला साइड पे वो हमारा रूम था पहले। लेट्स लॉक द डोर और आपको बाइक का व्यू दिखाती हूँ। असल में बात ये है कि मोस्टली जो गर्ल्स हैं हाउसलाइफ वो सब आई थिंक क्लासेस लेने गई हैं, इस वजह से खामोशी है काफ़ी, अदरवाइज तो यहाँ पे काफ़ी रौनक होती है। ये बाहर साइड का लुक है हमारा डिपार्टमेंट, मतलब हमारा हॉस्टल बाकी हॉस्टल से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, सॉरी है, बहुत अच्छा। ये साइड तो आपने देखी हुई है, ये हमारा मतलब बाहर से यहाँ पे हमारा गेट है, ये ग्राउंड है जहाँ पे हम बैठे हैं, मतलब बैठे रहते थे। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी की है, और ये जो बेंच है यहाँ पे हमने बहुत से मतलब गॉसिप्स किए हैं, बहुत से हमने मेमोरीज शेयर किए हैं एक दूसरे के साथ। एंड देन इन दिस केस यहाँ पे बैठ के हम आप ही लोगों के साथ अपने सीनियर्स के साथ गप्पे मारते थे, बहुत सी चीज़ें आपको साथ साथ बताती हूँ। हाँ, ये इस जगह पे ये हमारी कैंटीन हुआ करती थी, मतलब हुआ करती थी जब हम फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तब एक बार कैंटीन हुई थी, उसके बाद कोई कैंटीन वाला यहाँ पे आया ही नहीं, और हमने बाइक के जो कैफेटेरिया था वहाँ से ही गुजारा किया। अच्छा जी, तो हमने बाहर बैठी हैं, बाहर आके बैठी हूँ मैं, अभी तक मेरी फ्रेंड आई नहीं है मरियम, और मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ अभी, और क्योंकि खाना रखा हुआ है मुझे भूख बहुत लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं हम करके गए, बाहर सुबह से निकले हैं इसी तरह और अभी तक वो आई नहीं है। मैंने खाना खाना था, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, उसको वेट की जा रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ पर जाके बैठ गया। मैंने सोचा चले बाहर धूप में बैठ जाती हूँ, और बियानस सरगोदा में बहुत ठंड है इस वक्त, और स्पेशली हमारा जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये बाहर है सिटी से, ये झालचकियाँ के पास यहाँ पे है। झालचकियाँ से याद है, झालचकियाँ की दाल बहुत फेमस थी, हमने बहुत बार खा के खाएंगे, कहीं कभी मौका नहीं मिला, सॉरी दाल तो खाई थी लेकिन वहाँ की चाय नहीं पी अभी तक। थोड़ी सी अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि बस जाने वाली हूँ मैं अब कल या परसों, परसों तो नहीं शायद कल ही जाऊँ। एंड आफ्टर दैट आई अगेन बी बिजी इन माई रूटीन वर्क, लाइक डूइंग हाउस चोर्स एंड डूइंग सम अदर काइंड ऑफ स्टफ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन अपकमिंग ईयर्स और अपकमिंग डेज, क्योंकि फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। So with this, my second day of being in my university ended, and we tried to complete our work, but we couldn't do it. So we delayed our work, or you can say our task, to the next day, and we also had to go over there. Let's see what will happen tomorrow. But we had a great time today, so it was end of second day. Go and watch the next vlog. Assalamualaikum.